दोस्तों आज मैं आपको 108 फीट लंबी अगरबत्ती के जो है दर्शन कराने आया हूँ। मैं आपको बता दूं, इस अगरबत्ती को जो है अयोध्या में इस समय जो है प्रज्वलित कर दिया गया है और इसकी सुगंध से जो है पूरा अयोध्या सुगंधित हो गया है। मैं आपको बताऊंगा ये कितनी मोटी है और इसमें कितनी लागत लगी है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसमें जो है पंच तत्व का जो है यूज किया गया है और अब भी जो है इस पर लगातार गाय के घी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ संत टोली भी बैठी हुई, उनसे भी हम जो बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको देखिए ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है, देखिए कितनी इसकी मोटाई है। ये मेरी भुजाओं में भी जो है मुश्किल से आ रही है, तो आप समझ सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है गुजरात के बड़ोदरा से जो है अयोध्या लाई गई है। आपको एक बार मैं इसकी लंबाई दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी इसकी लंबाई है, 108 फीट की जो है ये अगरबत्ती बताई जा रही है, तो आप देख सकते हैं। और ये भी हम बताएंगे कि ये कितने दिन तक जो है अयोध्या को जो है सुगंधमयी करेगी। तो यहाँ पर जो है संत टोली बैठी हुई है, तो आइए मैं जो उनसे बात करता हूँ, इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ। जय श्री राम महाराज जी। क्या नाम है आपका? अभिया भाई बरवाड़, बड़ोदरा। बड़ोदरा से आए महाराज जी? हाँ जी। ये बताइए, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इसमें कितनी लागत आई है? इसको बनाने में 5 लाख रुपया लागत आई है। 5 लाख रुपए लागत आई है। तो ये बताइए, ऐसा क्या मांगा था भगवान से कि 108 फुट की लंबी अगरबत्ती आपने जलाई है? 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम लला जी निजी स्थान में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने 108 कुंडी यज्ञ रूपी अगरबत्ती को लेके आए। अच्छा, प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित। तो ये कितने दिन तक जो है प्रज्वलित होने वाली है? अभी 21 दिन तक चलेगी ज्योति की तरह। 21 दिन तक चलेगी। इसमें कौन कौन से जो है तत्व यूज किए गए हैं महाराज जी? इसके अंदर पूरी हवन सामग्री है, गूगल है, जौ है, तौल है जी, और हवन सामग्री बहुत सारी है। गिर गाय का घी है, गिर गाय का गोबर का पाउडर है, बहुत सारे सुगंधित पुष्पों का पाउडर है। ऐसा सारा मिला के 3610 किलो इसमें हवन सामग्री है। अच्छा महाराज जी, और महाराज जी इसकी मोटाई कितनी होगी लगभग, जो गोलाई है इसकी? इसकी गोलाई 3.5 फुट है और इसकी लंबाई 108 है। तो ये महाराज जी कितने दिन में जल जाएगी पूरी? ये तो अभी चलती रहेंगे 21 दिन से भी। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये घी भी सामने जो लगातार रखा हुआ है, इससे जो है इसे लगातार प्रज्वलित किया जा रहा है। और इसकी आप सुगंध देख सकते हैं, वास्तव में ही इसकी जो है सुगंध बहुत शानदार है। और ये इसी प्रकार से जो है अयोध्या को जो है सुगंध करती रहेगी 21 दिनों तक लगातार। और यहाँ पर जो है भक्त जो है राम भक्त हुए हैं, यहाँ पर इसके दर्शन करने आ रहे हैं, तो आप भी जो है इसके दर्शन लाभ ले सकते हैं। मैं आपको देखिए पूरी चल करके दिखा देता हूँ। निवेदन यही करूंगा कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से लोग जो है घर बैठे दर्शन लाभ ले सके। मैं आपको पूरा यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है इस अगरबत्ती को जो है गुजरात के जो है बड़ोदरा से अयोध्या लाया गया था। और इस समय मैं आपको बता देता हूँ, ये जो न्यू बस स्टैंड है अयोध्या का, वहां पर इस अगरबत्ती को प्रज्वलित कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इनको जो है अनुमति नहीं मिली थी राम मंदिर में, तो इसलिए इसे यहाँ पर जो है न्यू बस स्टैंड पर जो है प्रज्वलित कर दिया गया है। तो मैंने सोचा आप सभी को जो है इस अगरबत्ती के जो है दर्शन लाभ करा देता हूँ। तो आप भी कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि अयोध्या इस समय जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सभी राम भक्त जो है अपने अपने तरीके से जो है खुशियां मना रहे हैं। इसकी आप लॉ भी देख सकते हैं किस तरीके से इसकी लॉ जो है लगातार प्रज्वलित हो रही है, और 21 दिनों तक जो है इसी तरीके से जो है प्रज्वलित होती रहेगी। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहता हूं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।